हाय फ्रेंड, मैं मनोज पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पर। और दोस्तों, साप्ताहिक करंट अफेयर और साथ में सभी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला प्रश्न, राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना किस पंचवर्षीय में की गई थी? ऑप्शन चार दिए हुए हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ऑप्शन नंबर इसका बी, दूसरी सही हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का समयकाल 1956 से 1961 है। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना एक जर्मनी कंपनी की सहायता से 1961 में की गई थी। दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना 1956 में की गई थी। वीडियो का दूसरा प्रश्न, इंडोनेशिया की लद्दाख कृषि प्रणाली किस प्रकार की है? ऑप्शन चार है, रोपाई, दूसरा है स्थानांतरण कृषि, तीसरा है मिश्रित कृषि और चौथा है बागवानी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी, स्थानांतरण कृषि सही हो जाएगा। इस कृषि को मैक्सिको में मिल्पा, वेनेजुला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसले और वियतनाम में रे कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन चार दिए हुए हैं, पहला रावी, दूसरा सतलज, तीसरा झेलम और चौथा सिंधु। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, रावी सही हो जाएगा। रणजीत सागर बांध को थीयम डैम भी कहा जाता है। यह जल विद्युत परियोजना पंजाब सरकार द्वारा पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा पर निर्मित की गई है। इस झील का 60% भाग जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस परियोजना का कार्य 1961 में 81 में शुरू हुआ था और 2001 में यह कार्य पूरा हुआ था। इसकी उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट है। चौथा प्रश्न, महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा बबली प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन चार है, पहला भीमा नदी, दूसरा है कृष्णगंज नदी, तीसरा है गोदावरी नदी और चौथा है पैनगंगा नदी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी सही हो जाएगा। बबली परियोजना या बांध महाराष्ट्र सरकार द्वारा गोदावरी नदी पर बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर जल के बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच विवाद भी है। पाँचवा प्रश्न, वातन क्षेत्र पृथ्वी के स्थल मंडल में कहाँ स्थित है? ऑप्शन चार है, पहला पृथ्वी की सतह के ऊपर, दूसरा है पृथ्वी के सतह के नीचे व वाटर टेबल के ऊपर और तीसरा है पृथ्वी सतह के नीचे और वाटर टेबल के समानांतर और चौथा है पृथ्वी सतह के नीचे व वाटर टेबल के नीचे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी की सतह के नीचे और वाटर टेबल के ऊपर। वातन क्षेत्र पृथ्वी की सतह और वाटर टेबल के बीच में स्थित है। यह क्षेत्र मिट्टी और चट्टानों से बना है। छठवां प्रश्न, मतभंगा नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन चार हैं, पहला भारत और नेपाल, दूसरा है भारत और म्यांमार, तीसरा है भारत और श्रीलंका और चौथा है भारत और बांग्लादेश। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, भारत और बांग्लादेश सही हो जाएगा। मतभंगा नदी भारत में कृष्णगंज से होकर गुजरती है। यह नदी कई भागों में बटी हुई है। सातवां प्रश्न, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन चार है, पहला उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा जम्मू कश्मीर और चौथा गुजरात। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश सही हो जाएगा। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती नदी के किनारे स्थित है। यह गर्म जल स्रोत चर्म रोगों के उपचार के लिए उपयोगी माना जाता है। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है? ऑप्शन चार दिए हैं, पहला लोहत्से, दूसरा गॉडविन आस्टिन और तीसरा कंचनजंगा, चौथा धौलागिरी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा सही हो जाएगा। कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। यह पर्वत नेपाल और सिक्किम के बीच में स्थित है। नौवां प्रश्न, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किन दो राज्यों के बीच स्थित है? ऑप्शन चार है, पहला कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक और महाराष्ट्र, तीसरा है कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और चौथा है कर्नाटक और गोवा। तो इसको ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सही हो जाएगा। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य 1949 में शुरू हुआ था और आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितने मेगावाट है। 10वां प्रश्न है, सतमाला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन चार दिए, पहला गुजरात, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान और चौथा महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र सही हो जाएगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मेरे पूछे गए क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए थैंक यू।